नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेस्ट फार्मिंग विद कृष्णा में। आज हम बात करने जा रहे हैं हर्बिसाइड के बारे में। हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड नाशक दवा है, जैसे कि हम मेरा कत्तर है, राउंडअप है, ग्लाइसेल है। और इन सब दवाओं में क्या होता है, ग्लाइसोफेट नामक साल्ट होता है जो कि घास को समाप्त करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके दुष्प्रभाव के बारे में। ग्लाइसोफेट साल्ट जो है मानव शरीर पे या हमारी फसलों पे या मिट्टी पे क्या दुष्प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, ग्लाइसोफेट पे आंध्र प्रदेश सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने और तेलंगाना सरकार ने 2018 में रोक लगा दी थी, क्योंकि ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि इससे जो है कैंसर होता है। कुछ देशों में भी इस पर बैन है, श्रीलंका, अमेरिका के फ्रांसको में इस पर रोक लगी हुई है। तो इस वजह से ग्लाइसोफेट युक्त जो भी दवाएं बन रही थी, राउंडअप हो या ग्लाइसेल हो या मेरा कत्तर हो, उन पर इन तीनों जगह अपने देश में रोक लगा दी गई थी, जो कि इस समय रोक हटा दी गई है, क्योंकि अभी उस पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया है कि इसमें वास्तव में ह्यूमन बॉडी पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है या नहीं। इसके बारे में ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगभग 10 साल हो गए इसका इस्तेमाल करते हुए, मेरा खुद का तजुर्बा ये कहता है कि इस पर जो है अगर आप स्प्रे करते हैं तो उस पर हमारे मानव शरीर पे इसका प्रभाव पड़ता है। ये एक तरह से कैंसर कारक है, क्योंकि जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों के जो अध्ययन में जो प्रकाशित हुआ है, जो अध्ययन इस पर हुआ है, रिसर्च इस पर हुई है, उस पर यही बात सामने आई है कि ये ग्लाइसोफेट जो है वो कैंसर कारक है। दूसरा, अब बात करते हैं इसका फसलों पे क्या क्या नुकसान है या मिट्टी पे क्या क्या नुकसान है। तो ग्लाइसोफेट इस जब मिट्टी पे पड़ता है तो उसकी उर्वरा शक्ति जो है कम हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके ऐसे उसका प्रयोग ना के बराबर करें। कुछ घासें ऐसी हैं, सीजनल घास होती हैं, बीज के द्वारा उगती हैं, तो ऐसी अगर घास आपके खेत में उगी हुई हो तो ग्लाइसेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अच्छा, कुछ घासें ऐसी हैं जैसे मोथा है, दूब है, दाब है, जो कि जड़ द्वारा विकसित होती हैं, उन घासों के खात्मे के लिए ग्लाइसेल का इस्तेमाल करें जिसमें ग्लाइसोफेट होता है, चाहे मेरा कत्तर हो, चाहे राउंडअप हो, जो भी हमारी दवा हैं जिनमें ग्लाइसोफेट सब में होता है। तो हम केवल उन्हीं घासों पर प्रयोग करें, जैसे कि मोथा है, दूब है, दाब है, जो कि सीजनल नहीं होती, ये जड़ के द्वारा आगे भी ग्रोथ करती हैं। तो बाकी सीजनल घासों में इसका प्रयोग ना करें। दवा लगाने के बाद कुछ सब्जियों को हमें नहीं उगाना है, कम से कम 6 महीने का अंतर उसमें रखना है। जैसे कि साग सब्जी हम नहीं उगा सकते, मेथी का साग है, पालक का साग है, हरा धनिया है, इन चीज़ों को हम नहीं उगा सकते। इसका फसलों पे क्या प्रभाव पड़ता है कि हमने ऐसे धनिया बो दिया तो धनिया जो है उग तो आएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा। हम सोचेंगे इसमें गलन रोग लग गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो ग्लाइसोफेट का होता है। जिस वजह से हमारी मेथी, पालक, धनिया, साग भाजी जितनी भी हैं वो हम नहीं उगा सकते। इस चीज़ का ध्यान रखें, इन फसलों को आप ना करें। कम से कम 6 महीने का अंतर चाहिए दवा लगने के बाद। किसान भाइयों, जब भी आप ग्लाइसेल से युक्त किसी भी दवा का स्प्रे आप खेत में करें जिसमें ग्लाइसोफेट हो, तो पूरी सावधानी बरतें, हाथों में दस्ताने पहनें, मुंह पे मास्क लगाएं, तभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे शरीर पे बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव डालती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मैंने देखा है कि 80% किसान हमारे बिना मास्क लगाए, बिना दस्ताने पहने इस दवा का स्प्रे करते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे कोई सी हो। तो इस चीज़ का मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कोई भी किसी भी खेत में किसी भी दवा का स्प्रे करें, किसी कीटनाशक का, किसी का भी, तो हाथों में दस्ताने और मुंह पे मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही यदि मुझे आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आपके सुझाव के अनुसार जो जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। किसान भाइयों, कुछ किसानों को मैंने देखा है जो लगातार हर वर्ष ग्लाइसेल का प्रयोग करते हैं, तो हर वर्ष ना करें। जब तक आवश्यकता ना हो ना करें,
कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो बिना ग्लाइसोफेट के, जिस पे आप नियंत्रण नहीं पा सकते, उसी पे इसका इस्तेमाल करें, जहाँ तक हो सके इसका बचाव करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, इससे मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशा करता हूँ वीडियो आपका पसंद आया होगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।